इस प्रोग्राम की जो जो मुझे नई चीज लगी वो यूएसपी लगी कि इसमें मैं ऑफकोर्स मैं एंकर करने वाला हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने इमीडिएटली कहा मैंने बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें हम बड़े बड़े महानुभावों को वी माइट स्टार्ट फ्रॉम इवन पीएमओस, वी माइट इवन गो फॉर दी हमारे अमित शाह जी से लेकर मोहन भागवत जी से भी कॉन्टैक्ट हुआ, सबसे कॉन्टैक्ट हुआ है। मैं हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उन सब महानुभावों को पूछना चाहते हैं कि कभी आपको ईश्वर की अनुभूति हुई है? बोलते तो सब हैं कि ईश्वर है, बट ईश्वर के दर्शन किसी ने किए हैं? और मैं समझता हूं आप में से भी कई लोगों ने मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर आपके सामने कभी नहीं आया। इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा को उस लेवल तक जाना चाहिए जहां तक वो परमात्मा आपके सामने आने के लिए तैयार हो जाए। हम उस आत्मिक विकास तक नहीं पहुंचे, हमारे में से 10 में से 9 नहीं पहुंचे। एक बिरला होता है जो मीराबाई होती है, जो मूर्ति में समा गई थी, जिसको कृष्ण दिखता था। बड़े बड़े संत हमारे गुजरे हैं जिन्होंने जिन्होंने दर्शन किया है। एक संत थे हमारे महाराष्ट्र में जिनके लिए शायद गरुड़ नीचे आया था, जो उनको लेकर गया था, उनको जो उन्होंने प्राण त्यागे। नाउ अवर प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो एक एम है, आप बताइए, आप मानते हैं? पहली बात, ईश्वर में मानते हैं? नास्तिक बोलेगा शायद, लेकिन अगर आप मानते हैं कभी आपको उसके दर्शन कोई आदमी ईश्वर से दर्शन नहीं हुए कभी, आपको लगा है कि आइए चलिए आइए अनुभूति के भी है ईश्वर? जैसे कई बार हम जिंदगी में चलते हैं, हम नहीं मानते, हम बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, ये बहुत कमाया है, वो है, और हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अचानक एक जगह पर आके हम रुकते हैं और शायद हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट बच गया होता है, हम मरते मरते बचे होते हैं, या कुछ ऐसी बात होती है, हमको लगता है कि है कोई, है ऊपर, है वही ईश्वर है, उसी की अनुभूति हम जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। कभी आपकी जिंदगी में आपको ये एहसास हुआ कि ऊपर वाला है? लोग मानते नहीं है, लोग बोलते सबूत दिखाओ। हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड हो गया है, हर चीज के सबूत मांगता है, इवन इवन रामायण महाभारत के सबूत मांगे जाते हैं। द्वारका दिखानी पड़ती है हमको, देखो द्वारका है, हमको दिखाना पड़ता है राम सेतु है, पांडव की गुफाएं हैं, क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि अभी भी महाभारत रामायण को ये लोग आर्कियोलॉजिकल मानते हैं, मैं नहीं मानता। मैं समझता हमारा इतिहास है 5000 साल पुराना होगा, जितना भी होगा। हमारा ये वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गया है, इसको साइंस ने टेक ओवर कर दिया, धर्म के ऊपर साइंस चढ़ गया। साइंस ने धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू किया, वेयर इज गॉड, टेल मी, शो मी, हाँ किधर है, है तो सामने क्यों नहीं आता? ये प्रोग्राम मैं हर इंसान की बड़े लेवल से लेकर इवन हम कॉमन मैन तक भी आएंगे और पूछेंगे कि कभी आपको जिंदगी में ये अनुभूति हुई है कि इस युग को, इस दुनिया को चलाने वाले कराची, माउंट कराची आपकी आवाज आनी चाहिए। जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में आने की आ सकती है। जोर से, ये शो है, टीवी शो, मूवी नहीं है। क्या नहीं है? मूवी नहीं है, टीवी शो है ये टीवी शो एंकर है, इसमें लिखा मैं सनातन धर्म को मानता हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये सनातन धर्म का कार्य आगे बढ़े, जिसका हमारे हिंदुस्तान में काफी लोगों को ईश्वर से जो आस्था विश्वास कम हो रहा है, ये शो के माध्यम से सबका आत्मविश्वास एक नया चैतन्य निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये शो के माध्यम से नास्तिक का आस्तिक में परिवर्तन होने का ज्यादा से ज्यादा हमारी मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप चाहते हैं कि होना चाहिए, उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए नास्तिक होने में क्या नुकसान है? नास्तिक होने में नुकसान है कि वो कोई साधना वगैरह करने से उनको रिजल्ट देखना चाहिए, नास्तिक में डिफरेंस क्या है, आस्तिक में एक अनुभूति लेना चाहिए, मुकेश जी को लेने का कारण है। क्या बात है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन। हमारे हिंदुस्तान के आन बान चांद के लिए, सभी धर्म के लिए उनकी जो प्रतिमा है बॉलीवुड में सबसे अलग है, और मैं बचपन से मैं उनको